अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं खालिद सलीम इकबाल सिद्दीकी। आज के वीडियो में हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने ये देखना है कि 2020 में जो पेपर होने हैं ऑल बोर्ड्स और आजाद कश्मीर के, उनमें पेरेंट स्कीम क्या है, पेपर पैटर्न क्या है। पेपर में आपको पता है जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन, वो एमसीक्यूज पर कंटेन करता है, एमसीक्यूज पर वर्तमान होता है। तो क्वेश्चन नंबर वन के लिए हमने ऑल चैप्टर्स, ऑल सेवन चैप्टर्स, क्योंकि आपको पता है कि सेकेंड बुक में टोटल चैप्टर्स, नंबर ऑफ चैप्टर्स जो है वो सेवन है, और क्वेश्चन नंबर वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए हमने ये देखना है कि कौन से चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आते हैं पेपर में, और हमारे लिए एमसीक्यूज के हवाले से ऑल चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तमाम के तमाम चैप्टर्स हमारे लिए बहुत अहम है। अगर हमने कोई एक भी चैप्टर छोड़ दिया तो हम कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, इसलिए कंपटीशन में रहने के लिए एमसीक्यूज के हवाले से कभी भी किसी चैप्टर को आपने नहीं छोड़ना। और उसके लिए मैं आपको एक छोटी देता हूं कि कूल मैथ्स बे ऑब्जेक्टिव आप पढ़ें, उसे उसको तैयार करें, और पीछे वाले तमाम क्वेश्चन पेपर तमाम बोर्ड्स के उठा के चेक कर लें कि कोई भी एक एमसीक्यू वहां से लूज नहीं होगी। अगर आप कूल मैथ्स वे के ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो तमाम की तमाम ऑब्जेक्टिव उसमें मौजूद है जो पिछले पेपर्स में आई हुई है। तो हम बढ़ते हैं जी आगे। हमारे ये टोटल चैप्टर्स सेवन चैप्टर्स हैं हमारे, ये देखें, और हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर वन में कितने एमसीक्यूज आए हुए हैं। दो एमसीक्यूज आएंगे, ये बात याद रखें, और चैप्टर नंबर टू में से फोर एमसीक्यूज, इसी तरीके से चैप्टर नंबर थ्री से फोर एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर फोर से फोर एमसीक्यूज, फाइव से वन ओनली सिंगल एमसीक्यू। बट आपने कभी भी इस चैप्टर को लूज नहीं करना, नहीं छोड़ना, इसको भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है जितनी कि आपने बाकी चैप्टर्स को देनी है, क्योंकि अगर एक भी नंबर आपका लूज हुआ तो आप बोर्ड के एग्जाम में कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। जब आप कंपटीशन से आउट हुए आपकी पोजीशन डाउन हो जाएगी, जिसको आप समझ रहे थे कि आपने पहली पोजीशन, दूसरी या तीसरी पोजीशन लेनी है। अगर आपने सिरे से तैयारी ही नहीं की एक चैप्टर छोड़ के एमसीक्यूज के हवाले से, तो फिर आप कंपटीशन में नहीं है। इसलिए चाहे एक एमसीक्यूज भी है उसको आपने खुद ही तैयार करना है एमसीक्यूज के हवाले से। और मैं आपको श्योर करता हूं कि जो मैं आपको मैथ कूल मैथ्स वे की ऑब्जेक्टिव दूंगा वो किसी भी बोर्ड के पंजाब के सबका पेपर आप उठा के देख लें, उसमें से आए हुए होंगे, ये श्योर है इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर सिक्स थ्री एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर सेवन टू एमसीक्यूज, ये आर 20 एमसीक्यूज, इनके मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 20 होंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है पहला, जो हमारा इस पेपर का पहला पोर्शन था वो ऑब्जेक्टिव का, जिसको हमने डिस्कस किया सेवन चैप्टर्स और 20 एमसीक्यूज। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, दूसरा पोर्शन सब्जेक्टिव का,
और सब्जेक्टिव के दो पार्ट्स हैं, दो सेक्शन हैं, एक सेक्शन नंबर वन है और दूसरा सेक्शन नंबर टू है। सेक्शन नंबर वन पहले हम डिस्कस करते हैं। सेक्शन नंबर वन में शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और ये शॉर्ट क्वेश्चन, अब आप यहां पर शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से थोड़ा सा फ्री होंगे, थोड़ा सा आप रिलैक्स होंगे थोड़ा सा, मगर एंट्री टेस्ट के हवाले से फिर आपने नहीं छोड़ना कोई चैप्टर। जब आप एंट्री टेस्ट को सामने रखेंगे माइंड में आपके होगा कि मैंने एंट्री टेस्ट भी तैयार करना है, फिर आपने किसी चैप्टर को नहीं छोड़ना, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन है, चाहे वो एमसीक्यूज है, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन। जी बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन कितने शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे शॉर्ट क्वेश्चन में इस सेक्शन नंबर वन में, इस पहले हिस्से में टोटल शॉर्ट क्वेश्चन होंगे तीन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री एंड क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर टू, इस क्वेश्चन नंबर में 12 पार्ट्स होंगे और ये 12 पार्ट्स में से आपने ओनली 8 पार्ट्स करने हैं। कितने? ओनली 8 पार्ट्स। शॉर्ट क्वेश्चन से हवाले के हवाले से मैं आपको बताता जाऊं कि आपने पहले वही शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपको 100% श्योर है कि ये मुझे तैयार है, वो आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर टू में दो चैप्टर्स, चैप्टर नंबर वन एंड चैप्टर नंबर टू, यहां से शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। पहले चैप्टर वन में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर टू से 8 शॉर्ट क्वेश्चन, और यू ये टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और आपने कोई से अपनी मर्जी के 8 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उन 8 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपने श्योर करना है कि ये 8 के 8 हमारे 100% ठीक। क्वेश्चन नंबर थ्री, उसमें चैप्टर नंबर थ्री और फोर शामिल होगा। चैप्टर नंबर थ्री में से 7 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर फोर में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक हो गया। ये फिर 12 बनते हैं और इन 12 में से कोई से अपनी मर्जी के आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं और इन 8 शॉर्ट क्वेश्चन को यकीनी बनाना है कि वो आपके 100% राइट है। क्वेश्चन नंबर फोर, इसमें 3 चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 7। इन 3 चैप्टर में से टोटल 13 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 13 में से आपने 9 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में से 2, 6 में से 6 और 7 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और इनमें से आपने अपनी मर्जी के 9 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। बात समझ आ गई? इस तरीके से यहां से 8 शॉर्ट क्वेश्चन, इन दो चैप्टर में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन, इन दो चैप्टर में से भी 8 शॉर्ट क्वेश्चन और इन 3 चैप्टर्स में से 9 शॉर्ट क्वेश्चन। 8 and 8, 16 and 9, 25 शॉर्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं और हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और मैक्सिमम मार्क्स होंगे इसके 50। यहां पर आप इस हवाले से रिलैक्स हो सकते हैं कि अगर आप वो श्योर हो कि मेरी तैयारी कैसे जा रही है, चैप्टर नंबर टू करें, 8 शॉर्ट क्वेश्चन यहां से आपके ओके हो जाएंगे। अगर आप श्योर है कि मेरे 100% ये तैयार हैं, तब यहां पर चैप्टर नंबर थ्री को फुल्ली और चैप्टर नंबर फोर में आपने फर्स्ट 3 एक्सरसाइज कर ले तो भी आपके पास एक जो यहां से कम है वो भी पूरा होगा और ऑप्शन भी रह जाएगा। यहां पर थोड़ा सा नेक्स्ट, अब यहां पर आ जाए, अगर आप 5 को शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से छोड़ दें तो 5 and 11, 6 और 7 चैप्टर में से क्वेश्चन 6 शॉर्ट क्वेश्चन और 5 शॉर्ट क्वेश्चन, 11 शॉर्ट क्वेश्चन आपके तैयार होंगे और
आप इनमें से कोई से ना इनकार करोगे। मतलब ये है कि अगर आप एनर्जी टेस्ट को सामने रखना है तो फिर किसी में लेफ्ट नहीं होंगे। अगर आपने बोर्ड के एग्जाम को देखना है तो उसमें आप फिर थोड़ा सा लेफ्ट होकर फुल तैयारी करेंगे तो आपके ये 25 के 25 चैप्टर सॉल्व होंगे और कोई वजह नहीं है कि आप 50 मार्क्स ना ले सके। नेक्स्ट इसी सब्जेक्टिव का सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 में आप देखें मैक्सिमम मार्क्स 13 और सेक्शन 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे, 4 यहां तक हम कर चुके और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9 ये 9 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने होंगे। इन 5 क्वेश्चन में से आपने ओनली 3 क्वेश्चन सॉल्व करने, ओनली 3। अब फिर मैं आपको बताता हूं कि आपने किस तरीके से ये तैयार करना। अगर आप फुल तैयार करें तो वेल एंड गुड, अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा टाइम भी बच जाए और मेरी तैयारी भी 100% हो जाए, पेपर भी मेरा 100% हो, फिर आप इस फॉर्मूले को आप फॉलो करें। चैप्टर नंबर 1 एंड 2 100% तैयार करना है ताकि यहां से एक पार्ट आएगा, यहां से भी एक पार्ट आएगा, ये भी पार्ट 5 नंबर का चैप्टर नंबर 1 से और चैप्टर नंबर 2 से भी 5 नंबर का 5 मार्क्स का क्वेश्चन पार्ट आएगा। तो यूं 5 मार्क्स का ये पार्ट होगा, 5 मार्क्स का ये, तो टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 को आपने फुल तैयार करना है। यहां पर भी चैप्टर नंबर 3 आपको काम आ रहा है, यहां पर भी आपको चैप्टर नंबर 3 काम आ रहा है, यहां पर चैप्टर नंबर 4 काम आ रहा है, यहां पर भी चैप्टर नंबर 4 काम आ रहा है। अगर आप सिर्फ ये करें, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 5, टोटल 7 चैप्टर्स हैं और स्टूडेंट्स और टीचर बड़ा डरते हैं चैप्टर नंबर 6 से, इसलिए अगर आपने टाइम को भी सामने रखना है और तैयारी पे 100% करनी है तो फिर आप फिर क्या करें, चैप्टर नंबर 5 पर तैयार, अदरवाइज ऑल 7 चैप्टर आपने तैयार करना है। और कॉम्बिनेशन आपके सामने है 1 एंड 2 का, चैप्टर नंबर 3, 3.1 से 3.4 और चैप्टर नंबर 4, 4.1 से 4.3, ये हाफ चैप्टर और ये हाफ चैप्टर मिलकर यहां से भी पार्ट ए आएगा, यहां पर पार्ट बी होगा, इसके भी 5 मार्क्स, इसके भी 5 मार्क्स, टोटल 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट जो आपने चैप्टर नंबर 3 तैयार किया होगा यहां से एक पार्ट आएगा और चैप्टर नंबर 5 जो मैंने आपको बताया है कि उसको करेंगे तो यहां से एक पार्ट बी और यहां से एक पार्ट ए, तो 5 मार्क्स का ये, 5 मार्क्स का ये, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन, टोटल 30 मार्क्स आपके पूरे हो जाएंगे। यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 आपके रह जाएंगे। अगर ये 3 क्वेश्चन आपको इस तरीके से तैयार हो, 1 एंड 2, 3 एंड 4 एंड 5, अदरवाइज ऑल 7 चैप्टर आपने करना। इंशाल्लाह आई होप कि आपने ये कॉम्बिनेशन, ये पैटर्न जो मैंने आपको बताया 100% आपने इसको पावर किया होगा और इसी पैटर्न से आप तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आप कभी भी मार नहीं खाते और आपके 100 over 100 मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। और एक बात जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे होती है, आप सिर्फ कूल मैथ्स वे की ऑब्जेक्टिव बुक को बंद कर दें, कूल मैथ्स वे की ऑब्जेक्टिव उठाएं और वहां से सारी की सारी ऑब्जेक्टिव तैयार करें, कोई वजह ही नहीं है कि आपके 20 में से 20 मार्क्स ना हो। गुड लक और अल्लाह हाफिज़।